हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंजन डायरी। मैं आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिल्कुल यूनिक स्टाइल स्नैक्स की रेसिपी। तो आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो पूरी रेसिपी देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को पुश करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फिलिंग का मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल में 1 चम्मच करीब जीरा डाल दिया है और 1 बड़ी साइज़ की प्याज कट करके इसमें डाल दी है। तो अब हम इस प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो ये देखिए प्याज मेरी हो गई है। तो अब हम इसमें 2 से 4 हरी मिर्चें डाल देंगे। तो तीखापन जैसे आपको पसंद हो उस हिसाब से आप डालिए। फिर मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने गर्म मसाला और 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। तो इन मसालों को भी अच्छे से भून लेंगे। तो इसको भूनने के लिए भी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि मसाले हमारे चले नहीं और अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए मसाले भी अच्छे से भून गए हैं। और अब हम इसको में आलू मैंने इसमें ग्रेटर से ग्रेट करके इसमें डाला है और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए मेरा मसाला भी अच्छे से बहुत जल्दी से भून के तैयार हो गया। तो यहाँ से थोड़ा सा पनीर मेरे पास रखा था तो मैंने इसको इसमें डाल दिया है और इसमें बस मिला देंगे इसको हम। और अब हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है, बस थोड़ा सा धनिया पत्ता इस पर डाल देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए एक साइड में रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना डो तैयार रखा था, तो यहाँ मैंने मैदे का डो तैयार रखा है। आप चाहे तो आटे का भी बना सकते हैं। तो अब हम इसमें एक पेड़ा लेंगे और इसकी एक पूरी बनाएंगे। तो थोड़ा सा बड़ी ही बनाइएगा, बहुत छोटी पूरी मत बनाइएगा, क्योंकि मैदा थोड़ा सा श्रिंक होता है जब उसको आप हटाते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से पूरी बना ली है। और ये बहुत ही अलग ही तरह से देखने में लगता है लेकिन बनने में बहुत आसान है। तो ये देखिए मैंने पूरी बना ली है। और अब जिससे हम पूरी वगैरह छानते हैं ना, बस उसमें हम इसको रख देंगे। तो ये देखिए इसको हम अच्छे से टैप टैप कर देंगे ताकि जो डिज़ाइन है वो पीछे अच्छे से आ जाए। और बस अब हम इसमें फिलिंग रख देंगे और चारों तरफ हम इसमें पानी लगा देंगे जिससे ये अच्छे से सील हो जाएगा। तो पानी हमें अच्छे से लगाना है। और अब हम इसको पलट देंगे और एक गुजिया जैसे बनाते हैं बस उसी का शेप बना देंगे। तो आप शेप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। और अब हम इसको अच्छे से सील कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और अब हम इसको, तेल भी अच्छे से हो गया, तो अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो मीडियम लो फ्लेम पे ही हम इसको फ्राई करेंगे और थोड़े से देर में चलाते रहेंगे और एक अच्छा सा कलर आने पे हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए अब अच्छे से क्रिस्पी भी हो गई है, कलर भी आ गया है। तो हम इसको निकाल लेते हैं और ये देखिए कितनी जल्दी एक बढ़िया सा यूनिक सा स्नैक्स बन के तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इसको टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं और चाय के साथ इसको एंजॉय करिए। और मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ ये कितना बढ़िया सा क्रिस्पी सा नाश्ता तैयार हुआ है। तो ये देखिए, ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है और इसकी फीलिंग आप देख सकते हैं। एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को पुश करना ना भूलिएगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।